तर गावदे भी खाना वाणी आई इंच आई इलेवन चिंचवली समाधान जी ठोमरे आणि संदीप जी पाटील यांच्याकडून जर खानाव संघ सुपर मध्ये गेला तर त्यांना गोव्याची ट्रिप आहे. मात्र हा चेंडू सीमारेषी लगत फटका इथे जरूर पाहायला मिळाला. चार दबा तर ऐकूया बाबूशा सर यांचा आवाज. तर आमचे मुकेश जी भगत मुख्य आयोजक यांच्याकडून बाबूशा सर आणि रोशन पाटील यांना 5-5 रुपयाचं कॅश प्राईज झालं. तर त्यांचं सुद्धा आपण धन्यवाद देऊ. समाधानजी ठोंबरे आणि संदीपजी पाटील यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावर यावं. आयोजकांच्या वतीनं गावदे उसराय चषकामध्ये आपलं हार्दिक स्वागत. तो चलिए बात करेंगे. रोज संदेश जी में पहले ही बताया था कि महाराष्ट्र में जो प्रेम मिला था प्यार मिला था आज देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज देखिए पहली मर्तबा और लग रहा है आज जिंदगी में कुछ है हम हासिल करते जा रहे हैं निश्चित रूप से. और मुकेश दादा देखिए इनकी तरफ से प्रेम है. यहाँ पर रोशन जी पाटिल तारा देखिए निश्चित रूप से मेहमान कॉमेंटेटर के रूप में देखिए आज 1000 के देखिए यहाँ पर कैश प्राइज देते हुए बहुत बहुत आपका शुक्रिया. तो चलेंगे यहाँ पर आज का रात का बात करेंगे आखिरी मैच महबूब आपका पूरा आयोजन कमेटी देखिए हमारे इस दादा की बात करेंगे हमारे महेंद्र जी भाई देखिए मैं खास करके बात करूंगा यहाँ पर इन्हें ललित मोदी का जिम्मेदारी दिया गया है कैशियर खास करके मैनेजर कोई बात नहीं. हमारे ग्रामीण के देखिए ऐसे साथ आसान काम नहीं रहता है. केस प्राइस देखिए मैनेजर किसे बनाया जाता है जिसके दिल दरिया नेक देखा जाता है. तो याच दरम्यान मी विनंती करेन युवा आमचे उद्योजक समाधान ठोंबरे आणि आयोजकांच्या वतीने आमचे महेंद्रजी पाटील यांच्याकडून आम्ही आपल्याला निमंत्रण देतो का आपण व्यासपीठावर या आणि गावदेवी उसराय चषकाचा आपण आनंद घ्या. संदीप दादा पाटील असतील खानावचे पाटी राखे. क्या बात है सागर जी आहेत आहेत. तर सँडी पालकर आमचे संदीप पालकर केवाळे व्हायब्रेशनल अंपायर यांच्याकडून दोन्ही संघाला कैलास डुकरे आणि इथे आम्ही पाहतोय सचिन दादांना शुभेच्छा आलेत. खानावचे प्रेक्षक तो चलिए चलेंगे आज रात बात करेंगे यहाँ पर सागर सर ये मैच है आपने खानाओं के दर्शकों की बात की और उन्होंने बता दिया आवाज दे दिया सुन व सुन खानाओं की समर्थकों का आवाज सुन. और हर टीम देखिए ऐसा नहीं आई इलेवन चिंचोली टीम के भी देखिए समर्थक यहाँ पर उपस्थित रहेंगे. मैं हमेशा कहता हूँ टीम के जो समर्थक रहते हैं ना वो कहते हैं भाई नौकरी छूटेगा चलेगा बीवी बच्चे रूठेंगे चलेगा लेकिन टीम का साथ नहीं छूटना चाहिए. तो चलिए यहाँ पर देखिए विकेट मिलता हुआ और खुशियों का माहौल देखिए इस टीम की बात करेंगे ना इनके पास गेंदबाजी लाइन ऑफ बताकत रोशन जी पाटिल तारा देखिए इस साल देखिए इनकी आवाज बहुत गुंज गुजाई देखिए फतलापुर से लेकर डुम्बोली देखिए आज उरन लीजिए पेन लीजिए पनवेल लीजिए कहीं नगरी लीजिए रायगढ़ का और लाजवाब देखिए बहुत बढ़िया देखिए आवाज गूंजता हुआ रोशन जी पाटिल तारा यहाँ से अलविदा लेते बहुत बहुत स्वागत है. और सागर जी मांडोकर सर देखिए इनके साथ हम निश्चित रूप से इस मैच के समाप्त के साथ साथ यहाँ से अलविदा लेंगे निश्चित रूप से पहले साल देखिए इस टूर्नामेंट का. और सागर मांडोकर सर देखिए अभी तक लग नहीं रहा है कि यहाँ पर सुबह का समय होने आ रहा है मुझे लग रहा है अभी शाम हुआ है. क्या बढ़िया माहौल बना कर रखे हैं. चलिए एक अच्छा राजू दादा शायद इनकी भी एंट्री होगी और इस साल उन्होंने भी आमदार चषक दातुली के मैदान के ऊपर बहुत बढ़िया तारीफ के फूल बांधे थे. समाधान ठुमरे साहब देखिए और उनके साथ साथ संदीप दादा पाटिल देखिए इनकी तरफ से अगर खानाव टीम सुपर एट में पहुंचती है तो सुपर एट में पहुंचती है तो उनके लिए देखिए गोवा ट्रिप. अगर ये टीम फिर टॉप फोर में पहुंचती है तो आउट ऑफ काउंट्री निश्चित रूप से.
तो चलिए बहुत बढ़िया मौका देखिए, इसलिए कहता हूँ दिल टीम के साथ हमेशा देखिए हमारे, देखिए बात करेंगे यहाँ से खास करके, देखिए यहाँ पर हेमंत दादा भगत है, इनके तरफ से मैसेज आता हुआ, थोड़ा मैच स्पीड अप करना होगा आपको, रोकना नहीं, व्हाइट का इजाफा देखिए एक्स्ट्रा सेक रन आता हुआ यहाँ पर द्वारकनाथ चोरगे सर लीजिए, आज अच्छा बड़ा अच्छा लगा हमें जीवन सर, देखिए आज अंपायरिंग की दुनिया के ऊपर आते हुए एक बात करेंगे लेजेंड क्रिकेटर कहा जाए तो लालचंद जी गावन, जीवन जी देखिए बात करेंगे कैडेट टीम के लिए, अभी भी देखिए इस टीम के लिए खेल रहे हैं, लेकिन अंपायरिंग की दुनिया के ऊपर आने के साथ साथ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक्सपीरियंस बेस्ट टीचर है शायद उनकी एक्सपीरियंस ही बेहतर यहाँ पर काम आ सकता है। सुनील टांडिल सर देखिए उन्होंने भी लाजवाब बेमिसाल इस सीजन उनका भी बहुत बढ़िया रहा, सुपर डुपर रहा। और ये चलिए सचिन मुंडे देखे यहाँ पर बीट हुए, लेकिन उसके साथ विकेट कीपर भी बीट और फर्स्ट स्लिप भी बीट है, और आता हुआ देखिए बाई के रूप में चार रन। संदेश जी कहते हैं ना भगवान का घर देर रहता है लेकिन अंधेर नहीं, भलाई देखिए शुरुआत में रन नहीं आया, हमारे अक्षय जी पाटिल देख सकते हो चाहे मेलार एंटरप्राइजेस बिल्डिंग पेंटिंग है कॉन्ट्रेक्टर से, देखिए ओनर निश्चित रूप से आप देख सकते हो स्क्रीन पर ना, और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर कई सारा बैनर कटआउट आप देख सकते हो लाजवाब, देखिए उसके साथ श्री अमित भगत साहब देखिए बात करेंगे ग्राम पंचायत सदस्य, देखिए उस्तार ली खुद जिनकी तरफ से देखिए पूरा ट्रॉफी दिया गया है और क्या बढ़िया खूबसूरत, और उसके साथ साथ बात करेंगे विश्वनाथ दादा शेल के, देखिए बात करेंगे छकड़े वाले निश्चित रूप से, और इनकी तरफ से भिंगी ग्रुप ड्रेवली देखिए इनकी तरफ से भी बहुत बढ़िया साथ है इस टूर्नामेंट को, और उसके बाद देखिए हमारे फोटोग्राफर देखिए बात करेंगे संदीप दादा भगत देखिए बात करेंगे, और लाजवाब देखिए हर किसी का साथ है और इस टूर्नामेंट में लगा दिया चार चांद। चलिए साइफरी लाइफ आपका भी बहुत बढ़िया मेहनत, देखिए यहाँ पर संदेश जी आपसे लेकर प्रेम से लेकर चंदू से लेकर ओमकार से लेकर और विनोद से लेकर सूरज से लेकर, चलिए डीजे यहाँ पर टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 12 पे 2, चलिए माफी जाएंगे थोड़ा सा, हम आखिरी मैच है सचिन मुंडे इसलिए थोड़ा शुभेच्छा हर किसी का हम दे रहे थे, इसलिए कोई बात नहीं पहुँचेंगे आप तक सचिन जानते हैं, और हमारे जग्गू देखिए कैमरा मैन से, क्योंकि यहाँ पर 12 पे 2 देखिए, और डीजे नितिन देखिए बहुत बढ़िया, ओह क्या कमाल की गेंद, मजा आ गया भाई देर रात में इस तरह विकेट को बिखारना, लेकिन नाखुश रहेंगे यहाँ पर खास करके गाउदेवी खाना और टीम, क्योंकि 12 पे हो गई 3। बहुत बढ़िया देखिए लाजवाब, कहते ना किस्मत सबको मौका देता है पर मेहनत सबको चौंका देता है, बहुत बड़ा अच्छा लगा देखिए इस टूर्नामेंट में जुड़ने के साथ पहले साथ, उम्मीद करते हैं और इस तरह के देखिए कहते ना जिंदगी में काम ऐसा करो, मुकेश दादा निश्चित रूप से बहुत सारा शुभकामना आपको है, इसी तरह के तरक्की करते रहे, एक मैं कहूँगा निश्चित रूप से एक युवा आयोजन करता हूँ हमें देखने को मिला संदेश जी, अगर इस तरह के युवा आयोजन करता हूँ आते तो इस टेनिस क्रिकेट में, फिर ये सोचिए टेनिस क्रिकेट आगे कहाँ पहुँचेगा। सागर मांडोकर से देखिए बहुत बढ़िया देखिए कम उम्र में देखिए, और शोभा देखिए मुकेश दादा का बहुत अच्छा लगता हुआ, और टोटल की बात करेंगे 12 पे 3 देखिए, आखिरी मैच है सुपर 8 के लिए देखिए यहाँ पर, और जहाँ पर दोस्ती स्पोर्ट विकेट टीम देखिए एक सुपर 8 में पहुँच गई, एक साई स्टार विकेट टीम थोड़ी सी देखिए एक ही गाँव के थे, लेकिन निराश तो हुई होगी निश्चित रूप से, जब दो टीम खेलते हैं हर टीम चाहते हैं कि हम जाए हम क्वालिफाई करें, और ये चलिए पल्ला पहले ले लिया था लेकिन गेंद का लाइन था छोटा, कहते ना मुंडा गोरा रंग देखकर दीवाना हो गया, यहाँ पर छोटा गेंद देखकर दीवाना हो गया और गेंद के ऊपर टूट पड़ा, और आखिरकार आता हुआ 4 रन। डीजे को थोड़ी समय के लिए देखिए शांत रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर लोकल ट्रेन मुझे लग रहा है इसका समय हो चुका है, शायद भागना शुरू हो चुका है, और यहाँ से देखिए मैच को हमें जल्द से जल्द समाप्त करना होगा। बहुत बढ़िया देखिए संदेश जी मैंने यही बात कहा, मुकेश भगत साहब देखिए आज कम उम्र में देखिए बहुत बढ़िया देखिए हमें यहाँ पर इतने अच्छे आयोजन करता हूँ, खास करके मैं कहूँगा इस टेनिस क्रिकेट को एक बहुत बढ़िया, और हाँ से इस टूर्नामेंट को देखिए बहुत सारा शुभकामना आ रहा था लंबे लंबे दूर से। कुल स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुँचाएं यहाँ से
17 रन देखे यहाँ पर हम लोकल ट्रेन की बात कर रहे थे और लोकल ट्रेन यहाँ पर देखिए भागना शुरू हो चुका है। कई लोग जॉब पे जाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हमारे जो क्रिकेट के चाहने वाले टीम के जो साथ रहने वाले उन्होंने सोच लिया कल शनिवार शुक्रवार आज है शायद शुक्रवार हो चुका है, आज छुट्टी का दिन नहीं है, खास करके MIDC से शुक्रवार के दिन छुट्टी रहता है और उसके बावजूद भी देखिए टीम का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन रन आना बहुत जरूरी है। संजय जी जैसे कहते ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, तो इस मैच में जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक दो बड़ी हिट की जरूरी है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर आनंद जी सावन साहब, देखिए बहुत बहुत स्वागत निश्चित रूप से, हर लाइन पे हमारे यहाँ पर लाइक कमेंट देते हो निश्चित रूप से, और यही बात कर रहे थे कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, इस मैच में जिंदा रहने के लिए एक ऐसी मुलाकात जरूरी है, छोटा सा भी इनिंग पहुंचना बहुत है। आनंद दादा सवन देखिए पूरी रात भर यहाँ पर जागते रहते और उनके साथ दादा की बात करेंगे तो यहाँ से मच्छिंद्र दादा पाटिल सब देखिए इनके मुलाकात देखिए 2-3 साल पहले भी हमारा दादा के साथ काफी मर्तबा हो चुका है निश्चित रूप से। चलिए पानी की मांग लेकर पहुंचाइए पानी, चलिए यहाँ पर 12 खिलाड़ी लेकर जाइए, नहीं तो यहाँ पर समय कम बचा है, चाहे तो 12 खिलाड़ी भी यहाँ से लेकर ये चलिए यहाँ पर हमारे आनंद दादा मच्छिंद्र दादा देखिए यहाँ पर पुरानी यारी देखिए यहाँ पर एक दूसरे के साथ गुफ्तगु करते हुए देर रात में देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो, और मैं कहूँगा इनकी बचपना देखिए बहुत बढ़िया, देखिए उस समय की बचपना इतनी दोस्ती मजबूत रहती थी, एक दूसरे को भला खुद भूखे रह जाते थे लेकिन एक दूसरे को खिलाते थे, देखिए पहले की बचपना की दोस्ती ऐसा रहती थी, लेकिन आजकल तो ऐसा रहता है खाओ पियो बिल ना चुकाओ, सोचते हैं कैसे खाना पीना पार्टी जाम मिल जाए और छुट्टी मिल जाए, लेकिन तो चलिए पानी लेकर जाइए जल्द से जल्द, और 20 रन बनाए और अभी भी देखिए यहां से 12 गेंद बचाए, मैं कहूंगा अभी भी स्थिति थोड़ी सी नाजुक है औदे भी खानो टीम के लिए, लेकिन संदीप जी मुश्किल नहीं है, यहां से और 20 रन भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैदान के ऊपर बल्लेबाजी की बात करेंगे ना सचिन मुंडे ये छोटा तीर करता है घाव गंभीर, मैं भी ऊंचे लाडब देखे इतनी रात में कहां से फोन आ गया, नींद खुला कि नहीं कॉल आ गया। तो चलिए बात करेंगे आज बड़ा निश्चित रूप से सच कहूं तो मुकेश दादा बहुत अच्छा लगा आपके टूर्नामेंट में जुड़ने के साथ पहले साल, और हमारे कैमरा में देखिए साइप्रस लाइव जुड़ते हुए अभी तक देखिए यहाँ पर जानते हैं जिम्मेदारी को अंजाम देने के लिए अभी तक तैयार हैं, मुझे लगता है आने वाला कल से इतना देर नहीं होगा रात, शायद आखिरी अंतिम दिन रात होगा, कल 8 का फूल है निश्चित रूप से, और जहाँ पर टॉप 4 लगभग देखिए हर मैच सुपर हिट है यहाँ पर निकाला जाएगा, यानी अंतिम दिन हर सुपर हिट का मैच खेला जाएगा, यानी जश्न का माहौल रहेगा, आखिरी रात देखिए पंपम मैन ऑफ द सीरीज इलेक्ट्रिक बाइक देखिए, आजकल महंगाई के जमाने में कौन नहीं चाहेगा इस तरह की इलेक्ट्रिक बाइक है, मैंने ने ओहो ये चलिए भाई बात करेंगे तो यहाँ से छोटी छोटी गलती हो रही है, लेकिन संदीप जी कहते ना छोटा सा छेद बड़ी से जहाज को भी डुबा सकता है, एक छोटा सा गलती आपको मैच से बाहर भी निकाल सकता है, छोटे छोटे गलती से बचकर रहना, कैच देखिए ओहो आसान से कैच था लेकिन मुश्किल बन गया, इसलिए तो कहते हैं जिंदगी में जो चीज आप आसान समझते हो वो चीज बहुत मुश्किल आपके लिए बन जाता है। अजी जी भगत भी देखिए आज बहुत बढ़िया हमारे साथ है, आज शाम से निश्चित रूप से देते रहे, और यहां से देखिए बात करेंगे गेंद कुछ बचा है 11 गेंद अभी शेष है और गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज प्रथमेश, ओहो इस बार देखिए यही बात कहा था
कि सुबह भी जिंदा है और शाम भी जिंदा है, रात भी जिंदा है, क्योंकि मैदान के अंदर जब तक है सचिन मुंडे जिंदा है, छोटा तीर करता है घाव गंभीर। क्या बढ़िया बल्लेबाजी! इसे कहते हैं मन का कोई अरमान नहीं होता और दिल का कोई मेहमान नहीं होता। एक दो चौके छक्के लगाने से कोई सचिन रमेश तेंदुलकर नहीं होता। सचिन रमेश तेंदुलकर बनने के लिए आपको भाई इनिंग के साथ सुबह और आपके हर चीज बेहतर होना चाहिए। आज क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर को क्यों कहा जाता है? 34,357 रन बनाए, इसका मतलब ये नहीं कि क्रिकेट के भगवान। सुबह देखिए आज उनकी आदत, आज चले गेंद मिल चुका है, ये चलिए समर्थक देखिए, मुझे लगता है टॉर्च लेकर पहुंचे, ऐसा समर्थक होना चाहिए, क्योंकि पुरानी गेंद बहुत तेज भागेगा बल्ले से लगता है तो। और सेट हो चुके हैं सचिन मुंडे, और बता दिए भाई रोज रोज हम नहीं खाते हैं अंडे, समय लगने पर लगाते हैं चौके छक्के के झंडे। इस बार बल्ला जल्दी ले लिया, वर्निंग वर्निंग मिल गया, देखिए वन बाउंस का। थोड़ा सा सचिन ने मेरे हिसाब से जो पैर है ना घुटना थोड़ा सा नीचे लिया था। जीवन जी देखिए बहुत बढ़िया, हमारे जीवन सर देखिए पर नचरी निकाय देखिए बढ़िया तेज। सचिन मुंडे देखिए टूट पड़ेंगे इस ओवर में प्रथमेश के ऊपर खास करके, और उसके बाद देखिए यहां पर नो बॉल कॉल, देखिए यहां पर ओहो फिर से एक बार गलती हो गई, लेने का देना पड़ गया यहां पर, कैच भी छूटा और नो बॉल भी, वन प्लस टू लेने का देना पड़ गया। और यहां से तो प्रथम ही देखिए खानाऊ टीम के समर्थकों का शोर शराबा, प्रथमेश तो यही कहेंगे भाई हमें अपनों ने लूटा, कहां गैरों में दम था, और मेरा पैर जहां गिरा वहां से चुना का लाइन थोड़ा अंदर था, बच गए यहां पर, बच के रहना बाबा बच के रहना रे, क्योंकि इस मैच के ऊपर सबकी नजर है। खानाउ टीम जीती है तो देखिए शायद गोवा ट्रिप के लिए संदीप दादा और उनके साथ साथ, और उसके बाद देखिए बहुत बढ़िया गेंद, और ये गेंद कम खेलना होगा, कहते हैं ना फूलों से दोस्ती कर लो तो अक्सर कांटों से खतरा, और अगर सरदार जी से दोस्ती कर लो तो दिमाग को खतरा, डॉट गेंद से दोस्ती करते गए तो फिर आपकी टीम को बनेगी वो खतरा, उतना तो खतरा नहीं होएगा लेकिन फिर भी कम से कम आप I-11 सेंचुरी टीम देखिए आज बहुत बढ़िया क्रिकेट खेले हैं लाजवाब, जितना भी इनकी तारीफ किया जाए। और ये चलिए भाई सचिन मुंडे क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, वाह रे वाह, इसे कहते हैं मार दे टांगे वाला, दुश्मन क्या करेगा जब दो से ऊपर वाला, छोटा हाइट बड़ा फाइट, छोटा तीर करता है घाव गंभीर, इसलिए तो कहता हूं भाई किसी की शक्ल को देखकर किसी के हाइट को देखकर उसकी ताकत का अंदाजा मत लीजिए। और क्या बल्लेबाजी यहां पर दिखाते हुए दमखम सचिन मुंडे, देखे मैंने यही बात बताई है, बता दिए भाई रोज रोज नहीं खाते हैं हम अंडे, और जीत की चौके छक्के की लगाते हैं झंडे, फिर से उठाने की कोशिश, सभा में खेल रहा लहरता हुआ, देखे एक रन लेंगे क्या दूसरे के लिए जाएंगे, क्या यहाँ पर ऊपर का यहाँ क्या आखिरी गेंद है, और ये चलिए स्कोर भी यहाँ पर आगे बढ़ गया और स्ट्राइक भी रोटेट यहाँ पर हो गया और फिर से स्ट्राइक पर आ जाएंगे, और तीन ओवर का खेल कंप्लीट, देखिए स्कोर की बात करेंगे 38 रन पहुँच चुका है और एक अच्छा स्थिति, देखिए संदीप जी हमने जब दो ओवर का खेल समाप्त होता 20 रन बात की थी और इस ओवर में देखिए 18 रन आया, और हमने बात क्या किया था दो ओवर का जब खेल समाप्त होता कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, तो ये देखिए मुलाकात हुआ यहाँ पर इस ओवर के 18 रनों का ओवर, और इस मैच को देखिए जिंदा ही नहीं रखा है, इस मैच को बहुत आगे ले चुके हैं, लेकिन अंतिम 6 गेंद कहते हैं ना जनाजा है आसिक का जरा आहिस्ता उठाना, और बचा हुआ 6 गेंद के ऊपर 10 का दम दिखाना, 38 रन क्या 10 का दम दिखाएंगे यहाँ पर गेंदबाज, नहीं तो मुश्किल बन जाएगा भाई, ढूंढो रे ढूंढो। गेंदबाजी के लिए देखिए रोहित पाटिल और हमेशा अपोजिट टीम के खिलाड़ी के लिए बन रहे हैं बहुत बड़े कातिल, लेकिन देखते हैं इस बार उनके कातिल अथा कहां तक ले जाएगा। क्या सचिन मुंडे क्या लाजवाब बल्लेबाजी, मजा आ गया इनकी बल्लेबाजी देखकर, अभी तक इनके इनिंग की बात करेंगे 11 गेंद 21 रन है, 11 चेंडू 21 धावा, लाजवाब।
और ये चलिए सचिन मुंडे इस बार देखे, कहते ना आसमान वाले से तो रिश्ता अच्छा है लेकिन जमीन वाले, और रोहित पाटिल फिर से बन गए इस बार कातिल। सचिन मुंडे का विकेट, बड़ा विकेट देखे यहाँ पर, और इस विकेट का जरूरी था यहाँ पर क्योंकि ये जय और बीरू की जोड़ी बनते जा रही थी और गेंदबाज की कमर तोड़ी, और अभी तक कमर तोड़ दिए थे और उस जोड़ी को तोड़ने में कामयाब रह गए रोहित पाटिल। देखिए आज इनका तीन बहुत अच्छा रहा। तो चलिए यहां पर गेंदबाजी की बात करेंगे, नए गेंदबाज देखिए यहां से गेंदबाज की बात करेंगे रोहित पाटिल देखिए, और बल्लेबाजी की बात करेंगे नए बैटर देखिए योगेश पाटिल यहां पर उतरे हैं, राकेश पाटिल देखिए स्ट्राइक पर। तो चलिए अंतिम कितना गेंद बचा है आपसे बात करेंगे, अंतिम पांच गेंद शेष है। कहते ना चिल्लर के लिए हाथ फैलाना पड़ता है और नोटों के लिए हमेशा हाथ उठाना पड़ता है, तो बड़ी हिट के लिए थोड़ा सा आपको जोखिम लेना होगा। और रोहित पाटिल देखिए अभी तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए सफलता मिलने के बाद, ये देखिए लाचबाब गेंदबाजी इसे कहते हैं, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद गेंदबाजी हावी हो जाता है, उसे सफलता मिलने के बाद लाचबाब गेंदबाजी। और मैं तो हमेशा कहता हूं अगर तालाब से छोटी छोटी मछली पकड़नी है ना तो सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालिए, तो सचिन मुंडे देखिए ये जो मगरमच्छ थे ना और इन्हें बाहर निकाले, और हमेशा हम कहते हैं भाई पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी मत लीजिए। और रोहित देखिए अभी तक लाचबाब काम करते हुए गेंदबाजी के लिए तैयार, योगेश पाटिल देखिए स्ट्राइक पर। ओहो बहुत बढ़िया देखिए स्लोअर बाउंसर गेंद लेकिन से वाइड का इजाफा, एक्स्ट्रा रन देखिए वाइड का रन, कुछ तो सपोर्ट मिलेगा मदद मिलेगा। संदीप जी जैसे कहते ना बारिश में एक खड़े होने की हौसला छाता देता है लेकिन बारिश को तो नहीं रोक सकता है, और ये जो एक्स्ट्रा रन है ना एक हौसला आपको बढ़ाएगा यहाँ पर कि रन यहाँ पर बन सकता है, लेकिन बल्ले से बनाना जरूरी है, दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा और खुद के कंधों में जिम्मेदारी। और ये चलिए जिम्मेदारी उठाया और बता दिया भाई आलू ही आलू नहीं हम टमाटर का चटनी भी खाएंगे, रोहित विराट छोड़िए एमएस धोनी के जैसे चौके छक्के लगाएंगे। आज एमएस धोनी ने बता दिया भाई वर्ल्ड के क्यों फिनिशर रहे, भला ये देखिए यहाँ पर रेगुलर अभी क्रिकेट खेल रहे हैं हिटमैन विराट कोहली, उनका बल्ला नहीं चल पा रहा है, और हिटमैन ने देखिए बात करेंगे ना यहाँ पर निराश के साल, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी देखिए पहला मैच भी उन्होंने बहुत बढ़िया खेले थे इनिंग, और आज भी देखिए लाजवाब यानी मुंबई इंडियंस के फैन को निराश कर दिए फिर से एक बार, और उसके बाद देखे घुटना टेक तमाशा टेक यहाँ पर करना चाहते थे, और जब तक गेंद वापस आता तब तक पहला नहीं दूसरा रन भी यहाँ पर मुकम्मल कर दिया। अच्छी सोच है, कहते हैं ना तैरना है तो भाई समंदर में तैरो, नदी नाला ने क्या रखा है। इस टूर्नामेंट की बात करेंगे संदेश जी देखिए 364 यानी 65 दिन तक याद किया जाएगा, कहते हैं ना ये कोई होली का रंग नहीं जो दो दिन में मिट जाएगा, क्योंकि ये बात करेंगे ना युवा सेना वो ग्रामस्थ मंडल से उस साल खुद आयोजित, यानी खास करके बात करेंगे गांव देवी यहाँ पर उस रही चेषक 2022, ये रंग इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा जब भी खोला जाएगा ये पन्ना, और पहला साल था भाई क्या माहौल था भाई, इसलिए तो कहते ना फूल टूटकर तो बिखर जाएगा खुशबू हवा में रह जाएगा, और ये टूर्नामेंट तो आने वाला दो दिन में अलविदा ले लेगा लेकिन इसका खुशबू आने वाला 365 दिन तक याद जिक्र किया जा रहेगा, जब जब उस साल की बात आएगी जब भी उस साल टीम मैदान पर उतरेगा निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट का जिक्र होता रहेगा, क्योंकि इस चीज़ों के लिए हम माहिर हैं निश्चित रूप से, जहाँ जहाँ भी हम देखें जो टीम खेलती है जिस टूर्नामेंट में हम जुड़े हैं उसका जिक्र कर लेते हैं। और ये चलिए बात करेंगे यहाँ से एक रन आज हमारी आवाज यहाँ, आज शुक्रवार हो चुका है बदलापुर जोहली टूर्नामेंट में जुड़ेंगे संदेश जी, और शायद यही रायगढ़ नगरी देखे यही पनवेल यही हमें वहाँ तक पहुँचाया है आज जीरो से हीरो बनने की, और निश्चित रूप से मैं टोटल की बात करेंगे टोटल देखिए यहाँ पर 47 जीत के लिए 48 की जरूरत है, कहते हैं ना रात को फूल को भी पता नहीं होता है सुबह होते ही मंदिर जाना है या कब्रिस्तान जाना है, तो ये मैच कहाँ पहुँचेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, जब फूल को पता नहीं होता है कि सुबह होते ही मंदिर जाना है या कब्रिस्तान जाना है तो ये मैच कहाँ पहुँचेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्रिकेट हमेशा अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल कहा जाता है, क्योंकि हमारी कॉमेंट्री से कभी खेल समाप्त नहीं होता जब तक मुकाबला की आखिरी गेंद फेंका नहीं जाता, लेकिन इस टूर्नामेंट में निश्चित रूप से मैं हर किसी का एक बार फिर से तहदिल से शुक्रिया अदा लेना चाहूँगा इस टूर्नामेंट में काबिल समझने के लिए, और बहुत बढ़िया साथ आज हमारे कॉमेंट्री डिपार्टमेंट से लेकर लाइव से लेकर अंपायर और आयोजन करता कमेटी देखिए सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलेंगे यहां पर सेकंड इनिंग में जुड़ेंगे कोयल की आवाज है सागर जी मांडोकर देखिए,
तो चलिए चलेंगे इस मैच की तरफ। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया निश्चित रूप से महबूब इस टूर्नामेंट में जुड़ने के लिए। और आपका भी निश्चित रूप से देखिए यजमान है और मेहमानों को यहाँ पर ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हो जिन्होंने पहला दिन इस टूर्नामेंट में तस्वीर रखने के साथ चार चांद लगा दिए और इस टूर्नामेंट को बता दिए भाई साल पहला है लेकिन देर से आया है इस टूर्नामेंट लेकिन बहुत दुरुस्त। देखिए यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर हमारी सोनाली जी कुलकर्णी, देखिए एक मराठी इंडस्ट्री में देखिए जिन्होंने अपने नाम रोशन किए हैं और कई सारे देखिए हम देख सकते हैं बॉडीगार्ड और उनके साथ देखिए इनका बहुत बड़ा एंट्री हुआ और जहाँ पर उद्घाटन और बताई उन्होंने ओसारली के जो प्रेम ग्रामस्थ मंडल के जो प्रेम प्यार उन्हें यहाँ पर खींच कर लाया। और चलिए दोनों बैटर भेजे भाई कैलाश टुकड़े, चलिए जाना होगा आपको क्योंकि आपके भी कई नौजवान रहेंगे जिन्हें ड्यूटी पर जाना है या छुट्टी है कल सबका। अक्सर खिलाड़ी देखिए जॉब पर जाते हैं नौकरी धंधा संभल कर आज क्रिकेट खेलते हैं। हमारे महबूब जी लाडब देखिए बात करेंगे, तो चलिए स्क्रीन पर देखिए एक खूबसूरत नजारा देखिए यहाँ पर खूबसूरती देखिए बात करेंगे यहाँ पर। देखिए संदेश जी बात करेंगे ना, हमें इस दुनिया में कहीं ऐसा खूबसूरत चेहरा देखने को मिलता है लेकिन कहते हैं ना कुछ काम ऐसे कर जाओ और खूबसूरती दिखेगा। आज स्क्रीन पर देखिए सोनाली जी कुलकर्णी देखिए बात करेंगे, कहीं लोग अगर मोबाइल अभी ऑन किए होंगे लग रहा होगा कि इतनी रात में इतनी बड़ी एंट्री हो गई, ये साइप्रेस लाइव की खासियत है भाई। हमारे मुकेश दादा भी आप देख सकते हो निश्चित रूप से और हेमंत दादा भगत देखिए एक खलनायक है हमेशा ओसारली टीम के लिए। देखिए बड़ी बड़ी टीम के साथ ये अक्सर देखिए हम देखते हैं ए बी पूल में खेलते हैं, कभी भी हिचकिचाटे नहीं हैं और लेदर क्रिकेट भी बहुत बढ़िया खेलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का यहाँ पर सुबह का गुड मॉर्निंग किसके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि दोनों टीम जब यहाँ पर आए थे इस मैदान पर शायद गुड नाइट के समय आए थे लेकिन सुबह गुड मॉर्निंग के समय हो रही है लेकिन देखते हैं किसके लिए गुड मॉर्निंग बेहतर रहेगा। गेंदबाज की बात करेंगे, गेंदबाज देखिए यहाँ पर पंकज भगत और स्ट्राइक पर बैटर की बात करेंगे कैलाश टुकड़े और खोद कर निकाले तागल लगाना चाहते हैं यहाँ पर। और मैं हमेशा कहता हूँ संदेश जी के सांप फन उठाने से पहले उसे कुचल दो तो बेहतर है, नहीं तो फंपा। और ये कैलाश डुकरे देखिए ये मामूली सांप नहीं है, ये भाई अजगर है, ये डसता नहीं है, ये निगलता है। अगर इसने दो ओवर खेल लिया तो फिर मैच को पूरी तरह से थोड़ा कब्जा में ले सकता है लेकिन कैलाश डुकरे का बल्लेबाजी बहुत जरूरी है चिंचोली टीम के लिए खास करके। अगर ये मैच उन्हें जीतना है तो फिर कैलाश डुकरे का बल्ला चलना बहुत जरूरी है, अगर ये मैच बचाना है तो गाओदेवी खानाओ टीम को फिर कैलाश रोहित को रुकना बहुत जरूरी है। दोनों टीम के लिए देखिए बात ही यही है, एक को यहाँ पर रुकना जरूरी है और दूसरी टीम को देखे इन्हें बाहर भेजना जरूरी है लेकिन कामयाब वही होगा जो असली खून पसीना बहाएगा। ले जाएंगे ले जाएंगे ट्रॉफी उठाकर ले जाएंगे, सुपर एट में पहुंचने के साथ ट्रॉफी का सपना देख सकेंगे। रोहित पाटिल देखे अभी तक बहुत बढ़िया कातिल बने हैं, आज आके रात में देखेंगे गेंदबाजी लीजिए बल्लेबाजी लीजिए और उम्मीद करेंगे फिर से एक बार रोहित का बल्ला चल जाए यहाँ पर। हमारे देखिए बात करेंगे प्रेम स्कोरर बहुत बढ़िया स्कोरिंग के साथ ये उमेश जी भुईर देखिए आज जुड़े नहीं थे। राष्ट्रवादी चषक देखिए अंजूर में वो शायद आज गए थे और संदेश जी शायद 25-26 के अंदर मैं भी निश्चित रूप से अंजूर राष्ट्रवादी चषक देखिए बात करेंगे। केतन जी तरीश अब एक बहुत बड़े पेकर पृथ्वी इलेवन के नाम से टीम खेलते हैं और उन्होंने कहीं ऐसे रायगढ़ से कॉमेंटेटर को भी चूज किए हैं उस टूर्नामेंट में, अक्सर कमेंटेटर जुड़ेंगे जाकर। हेमंत दादा देखिए यहाँ से कुछ समय के लिए अपने गाड़ी की चाबी को ऑन करते हुए लेकिन ये उनकी गाड़ी कहाँ पहुँच रही है ये शायद वही बता सकते हैं।
मुकेश दादा भगत, देखिए बहुत बढ़िया, देखिए मेहनत लाजवाब लिया गया। और ये चलिए भाई यहाँ पर भाग में क्या भाग, तेज भागे और रन भी मुकम्मल कर लिए। कैलाश टुकड़े देखिए यहाँ पर और एक डॉट के निकलता हुआ, और बात करेंगे ना, और इस सीजन में मैंने देखा हूँ खास करके यहाँ पर गाउदेबे खानाव टीम की गेंदबाजी की बहुत ताकत। हरीश दादा शेलके देखिए इनकी तरफ से यहाँ पर कैलाश टुकड़े जो चौके दागे और उनके चौके के लिए देखिए यहाँ पर 100 रुपया यहाँ पर आता हुआ कैश प्राइज। क्या बात है, 12 खिलाड़ी आप रखिए जब, और याद करिए जब इनिंग समाप्त होगा और चिंचोली टीम देखिए हम 12 खिलाड़ी के पास पैसा, और मैं संदीप जी मेरी यही पहचान है जब भी कोई कैश प्राइज आते हैं मैं उनके 12 खिलाड़ी के पास दे देता हूँ, यहाँ से हमारी जिम्मेदारी हट जाती है जब मैच समाप्त हो। कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में हम भूल जाते हैं कैश प्राइज देना अगर 12 खिलाड़ी के पास है तो, अगर हम वो मैसेज हरीश दादा शेलके देखिए इनकी तरफ से भी कमेंट्री के लिए देखिए हमारे यहाँ पर 100 रुपया आता हुआ, क्या बात है। महबूब जी देखिए यहाँ पर आपके प्यार के खातिर हमने कमेंट्री बॉक्स पर बैठे थे सिर्फ प्यार के खातिर, लेकिन क्या पता था केस भी आने वाला है। यही बात का कि पहले प्यार का जीत लिए दिल जीतिए और पैसे अपने आप तक पहुँचेगा। संदीप जी शेलके देखिए बात करेंगे, बहुत मेरे अच्छे दोस्त निश्चित रूप से, चलिए बात करेंगे हरीश दादा इनकी तरफ से देखिए रोहित के पाटिल के लिए हर छक्के के लिए 500 रुपया, क्या बात है। ये होते हैं गांव के समर्थक, ये होते हैं गांव के सपोर्टर, ये होते हैं गांव के आन बान शान। देखिए मैं इसलिए कहता हूं जब आपकी टीम मैदान पर खेलते हैं ना गांव आपका पूरा साथ रहता है। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 9 रन, रात की नींद को बेचैन करके और रात का बिस्तर को छोड़कर देखिए आज बीबी बच्चे, मैंने यही बात बताया कि नौकरी छूटेगा चलेगा, बीबी बच्चे रुठेंगे चलेगा, लेकिन टीम का साथ नहीं छूटना चाहिए। हरीश दादा बहुत बहुत स्वागत आपका, बढ़िया साथ देते हुए, लेकिन गाउदेबे खानाव टीम देखिए यहाँ पर आग उगल रही है अपनी गेंदबाजी से यहाँ पर, और कहीं ना कहीं यहाँ पर कैलाश टोकरे इन्हें बांध कर रखा गया है, ताकत जोर लगाना चाहते हैं लेकिन टाइमिंग और बल्ला नहीं पहुंच पा रहा है गेंद तक। और ये गेंद के ऊपर अगर कैलाश टोकरे अगर छक्का दागते हैं तो फिर हरीश दादा देखिए इनकी तरफ से 500 रुपया, क्या बात है, कितना बेसब्री से कितना बेताब है रनों के लिए, देखिए जानते हैं क्वेश्चन मोमेंट में देखिए इनका ये बक्सिस था खास करके, लेकिन यहाँ पर छक्का नहीं आया, सिंगल आया, कहते ना झूला जितना आगे भी जाता है ना उतना पीछे भी आता है। गाउदेबे खानाव टीम का यही स्थिति था, पहला 2 ओवर में 20 रन था, उसके बाद देखिए तीसरा ओवर कांटा बदला था, 18 रनों का ओवर आया था, तो उसी तरह से यहाँ पर एकाक ओवर जैसे कहते हैं ना प्रेमी बदल गया प्रेम बदल गया, सचिन मुंडे ने तीसरा ओवर में गेम बदल दिया 18 रनों का ओवर। नितिन डीजे देखिए आपके लिए भी 100 रुपया पर आता हुआ हरीश दादा की तरफ से, भले आप डीजे नहीं बजा रहे हो लेकिन फिर भी देखिए वो जानते हैं आपके अंदर क्या काबिलियत खासियत है निश्चित रूप से, बहुत बढ़िया हरीश दादा। देखिए देखिए यहाँ पर बात करेंगे वाइड का इजाफा, नितिन देखिए बात करेंगे ये जो केस प्राइस आ रहा है ना हमारे ऊपर ये बड़ी बात नहीं, एक हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। चलिए तो चलिए बात करेंगे हमारे हरीश दादा, देखिए बहुत जोश में आ चुके हैं, कोई बात नहीं दादा चौकी छक्के के लिए लगाए रहते रहिए इनाम, लेकिन से कभी कभी ऐसा बख्शिश लगाए दिया जा सकता है कहीं सवाल भी उठ जाते हैं, और हम जानते हैं ओहो हेलीकॉप्टर वाह रे वाह, आलू ही आलू नहीं हम टमाटर का चटनी भी खाएंगे, रोहित विराट छोड़िए एमएस धोनी के जैसे छक्के लगाएंगे, और लगाए कौन हिटमैन रोहित
₹200 देखिए 12 खिलाड़ी के पास जमा रखिए दादा निश्चित रूप से रोहित के खाते में देखिए यहाँ पर ₹200 आता हुआ छक्के आ गए यहाँ पर रहा क्या बात है। चलिए हरेश दादा का एटीएम खुला है और देखिए ट्रेन स्लो चल रही है कुछ पैसेंजर देखना चाहते हैं इस नजारा अद्भुत नजारा वो तो सोच रहे होंगे एक सिग्नल गिर जाए हैट्रिक मारते हैं तो 5000 हरेश दादा की तरफ से क्या बात है। और कुल टोटल की बात करेंगे 18 रन है और यही चीजों की जरूरत है यहाँ पर मैंने यही बात कहा था इसकी मोहब्बत में सिर्फ ही धोखा मिलता है ग्रामीण में चमक जा बेटा तुझे आगे जाने का मौका मिलता है रायगढ़ प्रीमियर लीग पनवेल प्रीमियर लीग आज से ओवर देखिए कितना लंबा अगर मुकाबला जीतते है तो यहाँ पर I11 चिंचोली टीम हरेश दादा की तरफ से खास यहाँ पर सरप्राइज रखा गया है क्या बात है यहाँ पर लाजवाब देखिए टीम का साथ कितना बढ़िया देते हुए देर रात में यहाँ पर कुल स्कोर की बात करेंगे 19 रन और मैंने यही बात कहता था कि ये जोड़ी बहुत कुछ अहम रखेगा क्या यहाँ पर संदेश जी अच्छा हुआ हम भी थोड़े शांत थे नहीं तो और अंपायर के लिए मुश्किल हो जाता था आखिरकार जो आवाज पहुंची थी आउट दिया गया यहाँ पर शायद बल्ला बहुत तेज घुमाए थे रोहित को एक समय भी लगा था शायद तो बाहर मेरे हिसाब से निकाल रहे थे फिर डाउटफुल एक रहा कि क्या बल्ला जमीन से लेकर गया क्या अंपायर के दिमाग में चल रहा है थोड़ा वेट कर लेते हैं ग्रामीण मैच है संदेश जी और यहाँ पर देखिए रिप्ले से भी बहुत बढ़िया देखिए अपील कैच बहुत बढ़िया लिया गया और बड़ा विकेट देखिए रोहित पाटिल का बहुत बढ़िया देखिए टोटल की बात करेंगे टोटल देखिए यहां से 19 और जहां पर देखिए एक विकेट खोने के साथ है जय और बिरू की जोड़ी बन चुकी थी गेंदबाज की कमर तोड़ दी थी और खोद कर रन निकालना चाहते थे और क्या कमाल के गेंदबाजी यहां पर देखिए मंगेश कर्णोखा कुणाल के हर छक्के के लिए ₹500 यहां से देखिए हरेश दादा देखिए उनकी तरफ से और पहला गेंद देखिए अपील देखिए कहां से हो रहा है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से यानी जीत का जज्बा जुनून देखिए कितना है लेग बाइस से एक रन आता हुआ क्योंकि जो लॉन्ग ऑन पर फील्डर है इन्हें तो समझ में नहीं आया होगा विकेट से कितना अंदर है बाहर है लेकिन जो उनके अंदर जुनून है ना जीत का जो जज्बा लेग बिफर की अपील देखिए यहां पर रिप्ले से हम देख सकते हैं कितना अंदर कितना बाहर साइप्रित लाइव देखिए मेरे कमेंटेटर के जिंदगी के हिस्सा में संदेश जी का भी बहुत बड़ा हिस्सा निश्चित रूप से तीनों विकेट देखे यहाँ पर बहुत अच्छी डिसीजन गुड डिसीजन जीवन सर वेरी वेरी फैंटेस्टिंग अंपायरिंग सुनील टांडेल सर आउटस्टैंडिंग द्वारकानाथ चोरगेश्वर शब्द नहीं है इन अंपायरों की बात है तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर से I11 चिंचोली टीम देखिए अगर मुकाबला जीतते हैं तो हरेश दादा की तरफ से देखिए कुल कैश प्राइस 1000 लेकिन देखिए यही नतीजा था यहाँ पर गाउदेबी खानाओ टीम के सामने देखिए 20 रन बनाता तो ओवर का खेल समाप्त हुआ था और उसके बाद देखिए जो तीसरा ओवर था 18 रनों का ओवर आया था तो वही कहानी इनके साथ क्या बनेगा यहाँ पर क्या 18 रनों का ओवर अगर 18 रन ढूंढ सकते हैं तो मेरे हिसाब से शायद कैलाश टुकरे और कुणाल इन्हें भी कम नहीं मानना चाहिए भाई क्योंकि पहले मैच के देखिए मैन ऑफ द मैच भी बने थे एक डबल रोल था उनका यहाँ पर टीम अगर मुकाबला जीतती है तो ₹1000 देखिए हरीश दादा उनकी तरफ से और गेंदबाजी की बात करेंगे यहाँ पर गेंदबाजी के लिए देखिए यहाँ पर विजय तात्रे देखिए गेंदबाजी करेंगे यहाँ से सचिन मुंडे देखिए कुछ जाल बिछा रहे हैं विकेट के पीछे देखिए बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर एक खानाओं का नाइट मुकाबला मैं अभी तक नहीं भूला क्या बढ़िया नाइट मुकाबला था पहला साल था देखिए और लाजवाब देखिए एक जगमगा था नाइट मुकाबला था
तो चलिए उस टूर्नामेंट देखिए, चार चांद लगा था कुणाल सिल्के, हर छक्के के लिए देखिए हरीश दादा इनकी तरफ से 500 रुपये निश्चित रूप से। तो चलिए गेंद और रनों के पीछे बात करना होगा, गेंद बचाए हैं देखिए यहाँ पर 11 चेंडों 26 धावा, यानी बहुत रोमांचक मोड में आ चुका है। 11 गेंद बचा है, 26 की जरूरत है। डीजे नितिन भी देखिए यहाँ से मैच का आनंद ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए हम तो कहीं भी टूर्नामेंट में कमेंट्री के लिए जब जाते हैं हम तो सोचते हैं डीजे नितिन ही हो, क्योंकि रायगढ़ में देखिए बहुत बढ़िया, देखिए एक सैंडी मैटी डीजे नितिन आजकल देखिए, हाँ अक्सर मैं डीजे में देख रहा हूँ ये सब चीज़ सीखने के साथ उन्होंने भी कोशिश कर रहे हैं क्यों हम क्यों ना डीजे सैंडी मैटी बने, हम क्यों डीजे नितिन ना बने, और बिल्कुल अच्छी सोच है। और डीजे नितिन हम उम्मीद करते हैं शुभेच्छा बहुत तरह है, आप और तरक्की करें और आगे बढ़े निश्चित रूप से, जिस तरह की साईप्रीत लाइफ थे देखिए 2-3 साल में अपनी कामयाबी के मुकाम तक पहुँचते हुए। हरीश दादा की तरफ से देखिए कॉमेंट्री के लिए और 100 रुपया यहाँ से आता हुआ, बहुत बहुत आपका शुक्रिया निश्चित रूप से। कहते ना ऊपर वाला भी जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, जाते जाते कुछ लेकर जाइए। और यहाँ पर गेंद और रनों के बीच में बात करेंगे, यहाँ पर 25 रनों की जरूरत है, गेंद कितना बचा है, पनमिल डिपो पर जाइए जहाँ से मिल जाएगा हमें हर जगह के लिए बस, लेकिन गेंद बचा है यहाँ पर 10। तो चलिए यहाँ पर और ये चलिए भाई बहुत बड़ी गलती, और उससे भी बड़ी गलती कर दी भाई कैलाश डुकरे, इसे कहते हैं घर पे आई खुशियां दरवाजे से लौट जाना। वही बताया है ना, घर पे आई खुशियां दरवाजे से लौट जाना, नो बॉल तो आया लेकिन खुशियां देखिए रनआउट से लुट गया। कैलाश डुकरे देखिए ये तो जैसे कहते ना 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 करते प्यार में कर गए, रन लेना नहीं चाहते थे ये स्नो, लेकिन कुणाल सिल्के से थोड़ी सी नारा, लेकिन कुणाल भी क्या करे, वो भी आते तो भी आउट होते थे, डायरेक्ट हिट था भाई। यहाँ कैलाश भी सवाल भी नहीं उठा सकते हैं, आगे निकल गए थे, रन की बेताबी थी यहाँ पर, लेकिन इतना भी बेचैनी क्या थी। हर बल्लेबाज के लिए यहाँ पर देखिए अकाउंट दादा का खुलता हुआ, हरीश दादा का 500 रुपया, और यहाँ पर नो बॉल है देखिए, फ्री हिट मौका तो मिलेगा। अभी भी देखिए 10 गेंद 24 की जरूरत है, और ये चलिए बात करेंगे हितन पाटिल के लिए 600 रुपया छक्के के लिए। रेश दादा का एटीएम खुलता हुआ, और देखते हैं यहां से क्या टीम को जीत दिला पाएंगे, यहां पर मुश्किल हालत में फ्री हिट का गेंद था और जिसका फायदा नहीं ले सके, और कैलाश डुकरे तो यही सोच रहे होंगे भाई क्या कर दिया मैंने, खुद के पैरों के ऊपर मैंने कुराड़ी मार दिया। रनआउट बहुत बड़ा, यूटर्न, और वो देखिए नो बॉल गलती बहुत बड़ा किए थे गेंदबाज, और उसके बाद भी देखिए फुल लेंथ का गेंद था और जिसका फायदा नहीं ले सके, एक रन आया। कुणाल सिल्के देखिए पिछले मैच के हीरो, ना जीते तो हरीश दादा इनकी तरफ से देखिए 5000, और बाउंसर से कर दिया हमला। खानों के समर्थक देखिए थोड़ा सा यहां पर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैच अभी भी बैलेंस है, अभी भी देखिए 8 गेंद बचा है, 23 का जरूरत है, एक छक्का भी आता है तो मामला बन जाएगा फिर से, क्योंकि 15-17 रन ये कोच है मचिंदर दादा, देखिए आनंद दादा यहाँ पर शायद अलविदा ले रहे हैं, बहुत रात जागे आपने, जागे हमें भी जगाए, अच्छे लगा क्योंकि आप जब तक हो तो हमें लग रहा था कि हमारे साथ में हैं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कमेंट्री बॉस का गर्मी है ना यही रहता है, आप लोग रहते हो तो तब तक हम भी गर्मा गर्म रहते, मजा आता है, और जब मैदान पर दर्शक होते हैं ना तो खिलाड़ियों के अंदर जान रहता है। या चलिए हवा में गेंद रह गया और बढ़िया कैच ले लिए, और सेलिब्रेशन खाना टीम यहाँ से करते हुए।
बहुत बढ़िया। देखिए इस टूर्नामेंट में मैंने बताया यहाँ पर मुकेश जी भगत सबली जी और हेमंत जी भगत सबली जी। अभी देखिए बात करेंगे 7 गेंद 23 की जरूरत है, 7-23 देखिए यहाँ पर समीकरण से। और क्या बढ़िया देखिए यहाँ पर गाँव देवी खानाउट टीम। देखिए मैंने संदेश जी पहले बताया कि इस टीम के अंदर गेंदबाजी बहुत बढ़िया है, लेकिन एक अच्छी टोटल जैसे कहते हैं ना फुटबॉल में गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है, और क्रिकेट में देखिए एक अच्छी टोटल तक पहुंचने के लिए कहीं सिक्स मारना पड़ता है। और जो सचिन मुंडे ने जो इनिंग खेला ना वो एक अच्छी टोटल तक उन्हें पहुँचा दिया। देखिए मुकेश दादा की हम बात कर रहे थे, शायद मुझे लगता है मुकेश दादा मैदान के हमेशा चारों बाजू में कहीं ना कहीं रहते हैं, यहाँ से दूर नहीं और शायद हमारे नज़रों से थोड़ी समय के लिए दूर हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल टूर्नामेंट मैच मैदान से दूर नहीं रहते हैं, थोड़ी सी चारों बाजों में जायजा लेते हैं निश्चित रूप से। चलिए यहाँ पर मैच में क्या और कुछ जान है, क्योंकि यहाँ से रह गए अभी 6 गेंद। देखिए 22 की जरूरत है, स्पीड अप कीजिए यहाँ पर सचिन मुंडे, वक्त मत लीजिए, फील्ड खोल दीजिए। आयोजन करता हूँ, देखिए बहुत समय हो चुका है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिकेट, उन्हें टूर्नामेंट देखना है। और कहते हैं ना बड़े लोगों की बहुत बड़े बड़े कामें रहती है, बिजनेस बहुत बड़ी बड़ी रहती है, घर के मामला रहता है, बिजनेस का मामला रहता है, हर चीज़ है। और नितिन जी हमारे जैसे हम कमेंटेटर डीजे के ऊपर इंतजार करते हैं, लेकिन आज देखिए इतने बड़े औरदे नज़र खुद अपनी मेहनत से छह गेंद 22 की जरूरत है। ये गाड़ी देखिए, और हमें आज का रात संभालना पड़ेगा भाई, ये फ्राइडे आज जो रात आ रहा है ना, चौथा रात है, यही दिन संभालना है। पांचवा दिन देखिए ये अलविदा ले लेगा भाई, तो चलिए 6 गेंद 22 की जरूरत है। क्या एक इतिहास बना पाएंगे यहाँ पर? कहते हैं ना पानी से नहाने से लिवाज बदलता है, पसीना से नहाओ तो इतिहास बदलता है। 6 गेंद 22 की जरूरत है। रूठी हुई हसीना को जो मना ले उसे आशिक कहते हैं, और हारी हुई बाजी को जो जीत दिलवा दे उसे बाजीगर कहते हैं। क्या बनेंगे यहां से बाजीगर बल्लेबाज? अक्षय हैं और उनके सामने हितन। ओह ये चलिए उड़ाया, वारे वाह, अता आला बाबू राव ये छक्के ने मैच में जान डाल दी है भाई यहाँ पर। अतः रंगा था आला मैच, क्योंकि यहां से देखिए 5 गेंद और जीत के लिए 16 की जरूरत है। यही बात किया हितेन ने, यहां पर जान डाल दी। कहते हैं ना जो है उसे दिल में बताकर देखो, चाहत को अपने सीने पर लगाकर देखो। अभी 5 गेंद 16 की जरूरत है। चलिए गेंद आया क्या यहां से? गेंद आ चुका है, 5 गेंद 16 की जरूरत है। यहां से मैच कांटों का हो चुका है, और ये चलिए I-11 चिंचोली टीम का डगआउट तो यही सोच रहा होगा भाई, अर्जुन एक मार बाबा, अर्जुन एक मार और एक आग छक्का आ जाइए, फिर मैच में आ जाएगा मजा। हमारे जग्गू भाई कैमरामैन भी देखिए तैयार हो चुके हैं, क्या बढ़िया देखिए हितेन। कहते हैं ना जो है उसे दिल में बताकर देखो, चाहत को अपने सीने पर लगाकर देखो। अगर बनना है गुरु राहुल तेवटिया तो फिर और एक आग छक्के लगा कर देखो, फिर वो बनने का है मौका। डर 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 पैदा किया यहाँ पर वाइट का इजाफा। रणनीति तो अच्छा है, एक्स्ट्रा रन देने को तैयार है, लेकिन छक्का देने को तैयार नहीं है। क्या बढ़िया मैच बन रहा है देखिए यहाँ पर लाजवाब। इसलिए तो कहते हैं कश्ती कभी भी डूब सकता है, तकदीर कभी भी बदल सकता है। दोस्तों ये ग्रामीण मैच है, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकता है। एक छक्के ने बस में धक्का खाना और इस समय छक्का खाना, और लगभग जीतेंगे तो 5,000। ओह उड़ाया, टाइमिंग एलिवेशन देखिए यहां पर फील्डर पहुंच गए हैं। वारे वाह, अर्जुन एक मार बाबा, अर्जुन एक मार, राहुल टेउटिया के जैसे 2 छक्का दाग दिए, क्या बात है। इसे कहते हैं फटा पोस्टर निकला हीरो, रातों में नींद उड़ा देने वाला यहां पर हितेन पाटिल बन गए कातिल। मैच में आ गया मजा, क्योंकि अभी देखिए 4 गेंद 9 की जरूरत है। ये मैच कांटों का हो चुका है, दर्शकों की धड़कने यहां से बुलेट ट्रेन धक 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 धक। और यही तो ग्रामीण मैच की खासियत है, मैंने यही बताया था भाई, प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया और हितेन पाटिल ने गेम बदल दिया। अभी देखिए 4 गेंद 9 की जरूरत है, यहां से तो हम कहेंगे भाई लैला की शादी में लफड़ा हो गया। वक्त जा रहे हैं, फील्ड खोल दीजिए। कहां से फील्ड खोलेगा भाई,
मैच की हालत ऐसा हो गया है, जानते हैं यहां से अंतिम चार गेंद हमारे कमेंट्री बॉक्स पर भी खड़े हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है वर्ल्ड कप का मोमेंट आ गया है, जब इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच में मैच खेला गया था ना, ऐसा मोमेंट आ गया था, सब खड़े हो गए थे, कमेंट्री से लेकर दर्शक से लेकर मुकेश दादा के आयोजन देखे क्या सफल आता हुआ यहां पर। वाइट गेंद, चिड़िया चुप गई खेत में, अभी देखिए यहां से चार गेंद वही बचा रहेगा, आठ की जरूरत है, क्या मैच देखिए यहां पर। हरीश जी कहां चले गए भाई, अब तक तो पैसा उड़ा रहे थे लेकिन कुछ इंपोर्टेंट कॉल आया, नहीं तो अभी तक तो वो बरसात कर देते थे दो छक्के के लिए। चलिए भाई यहां पर स्पीड अप कीजिए, हमारे मुकेश दादा यहां पर बता रहे हैं, अंपायर का डिसीजन देखिए बता रहे हैं वाइड के ऊपर, मुकेश दादा बता रहे हैं यहां पर दिखाया नहीं जाएगा, वाइड के ऊपर कुछ नहीं दिखाया जाएगा, जायजा नहीं लिया जाएगा। चलिए सचिन मुंडे मैच आगे बढ़ाइए, और यहां पर देखिए रिप्ले में भी यहां पर देख रहे हैं कुछ वाइड निश्चित रूप से बताया जा रहा है, लेकिन इसका तो रिप्ले नहीं लिया जाता है, लेकिन फिर भी रिपो तो यहां दिखाई नहीं जाएगा, लेकिन वाइड गेंद देखिए आगे बढ़ना होगा। सचिन मुंडे आपने दो छक्के खा लिए वहां पर, बहुत बड़ा वो गलती हुआ। तो चलिए यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर खाना और टीम भी देखिए जानते हैं वो क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं, और अभी देखिए चार गेंद आठ की जरूरत है, क्या बढ़िया मैच, वाह रे वाह, क्या किसी ने सोचा था मैच ऐसा बन जाएगा, गुरु पानी में आग लगेगी और पत्थर पिघल जाएगा भाई, ये टूर्नामेंट का पहला साल है तो आग लगेगा भाई, क्या बढ़िया देखिए मैच, कोई भी टीम हार मानने को नहीं है तैयार, इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। छह गेंद के ऊपर 22 का जरूरत था, क्या इतना बड़ा गलती यहां पर कर देंगे, क्या इतिहास को यहां पर दोहरा देंगे, यहां पर खोद कर निकाला यहां पर, शायद दूसरे के लिए तो भागेंगे यहां पर, और दूसरा रन क्या यहां पर, शायद नॉन स्ट्राइक में रन आउट हो सकते थे, और हितेन के ऊपर टारगेट किया गया, मेरे हिसाब से एक रन भी यहां पर चला देते तो बेहतर रहता था, क्योंकि कंपलसरी आपको सात रन जहां जरूरत होता था ना, आसान नहीं रहता था। यहां देखिए छह की जरूरत है, गेंद कितना बचा है, गेंद बचा है तीन, और उड़ा रही है नींद, नॉन स्ट्राइक में देखिए रन आउट का मौका था यहां पर, और हितेन ने क्या मैच में जान डाल दिया भाई, आंखों में सुरमा नहीं आगे ही चुरा लिया, वाटा मैच, लाजवाब, जितना भी तारीफ किया जाए उतना ही टाइम, गाउद भी खाना टीम देखे, इन्हें भी हार नहीं है मंजूर, लेकिन I-11 चेंज वाली टीम बता रहे हैं भाई हमें भी जीतना है जरूर, क्योंकि बचा है गेंद देखिए यहाँ पर तीन, और जीत के लिए चाहिए छह, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि चिंचोली टीम भले स्थिति में अच्छा में है, लेकिन एकाक डॉट गेंद फिर से मुश्किल बना सकते हैं, एकाक विकेट, और ये चलिए भाई बात करेंगे यहाँ पर, एक रन तो आसानी के साथ लेंगे, इस बार भी दूसरे के लिए जाना चाहेंगे, और यहाँ पर बलि देना चाहता है, और ये भी मेरे हिसाब से सोच अच्छा है, हितेन को स्ट्राइक मिले, लेकिन यहां से देखिए समीकरण रह जाएगा, देखिए दो गेंद पांच की जरूरत है, क्या मैच है रोहा संदेश जी, देर रातों में सपना उड़ा लेने वाला मैच यहां पर देखिए, और यहां पर देखिए अपना बलि देकर आते हुए बैटर अक्षय पाटिल देखिए, व्हाट अ मैच, ला जवाब, इसलिए तो कहता हूं क्रिकेट खेल कोई खेल नहीं बच्चे का भाई, जिसमें तेल निकलते हैं अच्छे अच्छे का, और यहां देखिए दोनों टीम का पसीना निकल रहा है, तेल निकल रहा है भाई, और यहां से देखिए बैटर नहीं जाते हुए, धीरज जामले देखिए भाई, इन्हें तो शायद कुछ करना ही नहीं है, इन्हें दो गेंद साथ देना है, और हितेन क्या हीरो बन जाएंगे, फटा पोस्टर निकला हीरो, क्या देर रात सुबह से पहले एक अच्छी गुड मॉर्निंग पहुंचेगी चिंचोली के यहां पर सरजमी के ऊपर, या गांव देवी खाना ऊपर पहुंचेगी जाकर और गुड मॉर्निंग, कुछ भी हो सकता है, अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि चिंचोली टीम मुकाबला जीती है, लेकिन हितेन ने दबाव डाला है एक बहुत बड़ी, ये चलिए भाई वाइड गेन, अभी देखिए मौका क्या हो गया, अगर चौका भी आ गया तो मैच जीत जाएंगे, शायद यहां पर वाइड नहीं देना चाहिए था, एक मौका लेना चाहिए था यहां पर, और बहुत बड़ी कंपलसरी चेसिंग ड्रेसिंग देखिए यहां पर आने वाला, देखिए गेंद बचा यहां पर दो, जीत के लिए चाहिए चार, क्या मैच बनते चार यहां पर, कमाल का मुकाबला देखिए यहां पर, हाई वोल्टेज ड्रामा यहां से, यही बात कर रहे थे, यही बात मैं कर रहा था, एक दो गेंद अच्छी निकल गई तो मैच फंस गया, आज देखिए ऐसा मैच बना था,
एक गेंद चार की जरूरत थी, वो नाथकंठ गेंदबाजी के लिए थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने डीप स्क्वायर लेग पर चौका दा गया था और दिल तोड़ा था और चेन्नई ने मैच जीता था। अंतिम ओवर में देखिए बात करेंगे ना, यहाँ पर 17 रनों की जरूरत थी लेकिन माही ने अंतिम चार गेंद पर 16 मारा था, यहाँ पर एक गेंद चार की जरूरत है और वही मैच देखिए बन चुका है। नितिन ने क्या, आज एमएस धोनी वही ड्रेस कोड है, देखिए वही टी शर्ट है चेन्नई सुपर किंग के जैसे यहाँ पर, और दूसरी तरफ देखिए वही मुंबई इंडियंस के जैसे ड्रेस कोड है। क्या मिलता जुलता मुकाबला, एक बार जोरदार ताली आखिरी गेंद के लिए। कैन आउट टीम है ये, बता रहे भाई हम है आज के मुंबई इंडियंस, आज हम चेन्नई को लैला की शादी में लफड़ा हो रहा है, कंपलसरी चेसिंग है और गुमराह बनाने की कोशिश हो रहा है और देखते हैं डिसीजन बहुत क्लोजिंग। टी शर्ट मत उड़ाइए भाई, टी शर्ट मत उड़ाइए। सचिन आयोजन करता हूं, है लेंगे डिसीजन, टेंशन मत लीजिए। चलिए दर्शक सामूस रहिए, सब खिलाड़ी देखिए आयोजन करता हूं, है दोनों टीम से देखिए वो चर्चा करेंगे। अंपायर्स अंपायर्स प्लीज कम ऑन, दोरकनाथ चोरगे सर यायचे आपण लगेच, गावंड सर या आपण, दोन्ही या दोन्ही या, तिन्ही अंपायर आले तरी चालेल। फास्ट आहे जरा, फास्ट व्हेरी क्विक, तर स्पर्धेचा नियम आहे कंपल्सरी चेसिंग, लाईन क्रॉसिंगचा नियम आहे जल्लोष कोणी साजरा करू शकतो, मात्र हे गावदेवी उसरायचं चषक आहे म्हणून काही बंधन आहेत, आपण या गोष्टींकडे लक्ष असू द्या। गावदेवी उसरायच्या नावानं चषक असल्या कारणानं हे काही बंधन आहेत, मात्र आता नामांकित पंच जो काही निर्णय देतील, डिसिजन पेंडिंग। तर बॅटिंग टीम डिसिजन पेंडिंग, विन रन कंप्लीट आहे, विजय जल्लोष बाहेर साजरा करा आणि हँडशेक करतील दोन्ही संघ, बंटी कैलास खेळाडू वृत्ती तुम्हाला दाखवायचे,
बघा गावदेवी उसराईचं आयोजन आहे।